एक गीत मेरी तरफ से पहले नंबर पर भी गाया था और फिर से भी सुनेंगे आप लोग, और पजामा सा सजे के सजे रह गए। अरे चार बातें सजन से मैं कर ना सकी, मेरे मांडप सजे के और इसके जवाब में जो मेरे गुरु हैं आदरणीय अतरौली वाले रमेश गुरु, मुझे आज भी याद है कि मैं पहली बार जिस समय मंच पे आया था तो मैं अपने गुरु साहूकार रमेश के साथ आया था यहाँ पे, विजेंद्र शर्मा से दंगल था। और इस बात को आज 9 साल हो गए पूरे, जब मैं गाना नहीं जानता था केवल नाचा करता था, तो मैं अपने गुरु के साथ यहाँ पर आया था, तो हमारे रमेश गुरु उसके जवाब में गीत गाया करते थे। रात सपने में मोहन के दर्शन हुए और आँख मेरी खुली की खुली रह गई, और इसी धुन पे एक उस्ताद बाबूलाल गीत गाया करते थे। बैठ डाली में दुल्हन पिया के चली और भैया रोते खड़े के, और इसी धुन पे 4 लाइन लिखने की मैंने कोशिश की है, हालांकि हम तुम्हारी टक्कर के नहीं है और हमारी तुम्हारी औकात भी नहीं है कि हम तुम्हारी कलम पे कलम रखें, ना हम तुम्हारी टक्कर के नहीं है, हमारी औकात भी नहीं है, हम तो आपके चरणों की धूल है केवल। नांगर जी, एक बाप जिसकी एक बेटी शादी के लायक हो गई, बाप बहुत ही गरीब है, बहुत गरीब, मेहनत मजदूरी करके उसने अपनी बेटी को पाला पनासा और पढ़ाया भी, दादा बेटी को पढ़ाया भी, जितनी उसकी संभावना थी उसने उतना पढ़ाया। उसके बाद गया लड़का देखने के लिए, तो जब लड़के वाले के घर पहुंचा, लड़के के बाप से पूछा कि आपका लड़का क्या करता है, नॉर्मल सी बात है, हर कोई पूछता है इस बात को लड़का क्या करता है, तो लड़के के बाप ने कहा कि लड़का ने पढ़ाई की है और अभी नौकरी ढूंढ रहा है, हम भी गरीब हैं, लड़के वाला भी गरीब है, नौकरी ढूंढ रहा है, शायद लग जाए कि शादी। तो लड़के वाले ने कितना अच्छा जवाब दिया कि हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, आप अपनी बेटी को एक जोड़े में भेज देना, मैं आपकी बेटी को लेकर के आ जाऊंगा, धन दौलत मुझे दोगे क्या, सबसे बड़ी दौलत तुम अपने जिगर का टुकड़ा मेरे घर में दे रहे हो तो मुझे मंजूर है और मुझे पैसा नहीं चाहिए आपसे। ये बात हुई, इस बात पर रिश्ता तय हो गया। जब रिश्ता तय हो गया बारात पहुंची, अब उस लड़की का भाग्य देखिए कि उस लड़की के भाग्य से पहले, शादी से पहले ही उस लड़का की नौकरी लग गई, शादी भी नहीं हो पाई, उससे पहले उस लड़का की नौकरी लग गई। बारात पहुंची, बारात ने दावत खाई, दावत खा के बारात विदा हो गई, और जब लड़का भामरों पे पहुंचा तो लड़के के बाप ने कहा रुक जाइए, ये भामर नहीं पड़ेंगी। लड़की वाले ने हाथ जोड़ लिए, क्यों नहीं पड़ेंगी, क्या बात है।
कि जब आपने रिश्ता किया था तब मेरे लड़के की नौकरी नहीं लग रही थी और आज मेरे लड़का की नौकरी लग रही है, तो ये शादी अब तब होगी जब तुम चार पहिए की गाड़ी दोगे और लड़का के हाथ में 2 लाख रुपए रखोगे तो भामर पड़ेंगे, अन्यथा ये शादी नहीं होगी। क्या बात है। लड़की के बाप ने अपनी पगड़ी उतार के उस लड़का वाले के चरणों में पैरों में रख दी और गिड़गिड़ाने लगा, हाथ जोड़ने लगा कि मेरी बेटी ऐसी रह जाएगी, आप मंडप से बारात वापस लेके नहीं जाओ। लेकिन लड़का वाले के मन में ऐसा लालच आया कि उस बारात को लेकर के वहां से वापस चला गया। मंडप में बैठी रह गई वो गरीब की बेटी। आज वो गरीब की बेटी मंडप में बैठे बैठे क्या कह रही है, मेरे गीत के माध्यम से सुनिएगा और एक एक लाइन पर आप लोग अपनी तालियां रोक नहीं पाओगे, ये वादा रहा मेरा। क्या बात है। कहने लगी वो लड़की, मेरे हल्दी लगी मेरे कंगन बंधा, ये मेरे हल्दी लगी मेरे कंगन बंधा, मेरे हल्दी लगी मेरे ये कंगन बंधा, पर घर की रौनक जची की जची रह गई, हो मेरे हल्दी लगी मेरे ये कंगन बंधा, और घर की रौनक जची की जची रह गई, अरे मेरे ये हल्दी लगी मेरे ये कंगन बंधा, और घर की ये रौनक जची की जची रह गई, और भामर अब चाहूंगा मैं पीछे तक तालियां, तालियों का वही सैलाब आना चाहिए जिसके लिए रसिया वाले वंचित होते हैं। म्यांग, अरे ये घर की रौनक जची की जची रह गई, और भामर के पर ना सकी मांग भर ना सकी, अरे भामर ये पर ना सकी मांग भर ना सकी, और मेरी ये मेहंदी रची रची रह गई, हो पर ना सकी के पर ना सकी मांग भर ना सकी, भामर पर ना सकी मांग और भर ना सकी, और मेरे ये मेहंदी रची की रची रह गई, भामर दंगल होगा, भारी से भारी संख्या में दोनों दंगल का। और कह रही है वो बेटी, नामे सुहागिन बनी नामे क्वारी रही, नामे सुहागिन बनी रही, ना जाने कैसी ये किस्मत हमारी रही, नामे सुहागिन बनी नामे कुवारी रही। क्या बात है, एक बार ताली बजा पीछे तक। क्या बात है बेटे, नामे सुहागिन बनी, बार बार आवा रही हूं मैं यहां का, एक बार और जोरदार तालियां हो जाएं के लिए। क्या बात है। नामे सुहागिन बनी नामे कुवारी रही, अरे ना जाने कैसी ये किस्मत हमारी भई, अरे बिना पैसों के बारात वापस गई, और मन में
अरे मन में ये हलचल मची की मची रह गई, मांग के भर ना सकी भामर और पर ना सकी, और मेरे किशन गुरु मैं आपके चरणों के धूल के बराबर नहीं हूं, आपकी टक्कर का मेरा खड़ा नहीं है। काफियों को नोट कर लेना, रौनक जची की जची रह गई जची, और मेहंदी रची की रची रह गई, और मन में हलचल मची की मची रह गई। अब अगले बंद को सुनिएगा के पापा के मेरे पापा खड़े धीर ये खोते रहे, मेरे पापा खड़े धीर ये खोते रहे, अरे रोट के गई बरात पापा मेरे रोते रहे, हो मेरे पापा खड़े धीर खोते रहे, और मेरी लो बारात पापा ये रोते रहे, के दिल में खुशी थी बड़ी घर की सजावट करी, दिल में खुशी थी बड़ी घर की सजावट करी, पर बात दिल में पची की पची रह गई, और भामर अरे पर ना सकी माँ के भर ना सकी, और मेरी ये भेदी नची जची रह गई बची रह गई मची रह गई और पची रह गई। अब तीसरा काफिया क्या कह रहा है मेरा, के पापा ने सोचा था खुशियां सबके साथ हो, और मेरी नन्नी सी गुड़िया के पीले हाथ हो, और मन में सोचा था खुशी की ये गंगा बहे, मन में सोचा था खुशी की ये गंगा बहे, पर गम की धारा बच्ची की क्या बात है, अरे गम की धारा बच्ची की बच्ची रह गई, और फिर जाऊंगा तालियां, अरे भामर के पर ना सकी मां भर ना सकी, और मेरे उसके बाद आपका नंबर है अंतिम चौक। बिन पैसा के मेरी न सगाई भाई, गौर करना दादा, अरे बिन पैसा के मेरी न सगाई भाई, एक गरीब बेटी की ना विदाई भाई, अरे कलम गोपाल की चली खंदोली की मंच पे, के कलम गोपाल की चली खंदोली की मंच पे, तो कलम तेरी लची की लची रह गई, और भामर पर ना सकी मांग भर ना सकी, मेरे में मेहंदी रची की रची रह गई।